सोनिया 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची। आमतौर पर यहां काफी विदेशी युवा पढ़ाई करने आते हैं। लंदन का ये इलाका सुरक्षित भी है और साफ सुथरा भी। उन्होंने यहां के दो मुख्य लैंग्वेज स्कूल में से एक में खुद को एनरोल करा लिया। तब कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेश से हो तो आपको ठहरने के लिए किसी फैमिली के घर पर व्यवस्था करवाई जाएगी। सोनिया को भी एक घर को अलॉट हो गया था, लेकिन वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी दिक्कत आती थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिल गया जो इटालियन खाना भी खिलाता था। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी था। सोनिया ने नियमित तौर पर यहीं खाना शुरू कर दिया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट्स इसको बर्दाश्त कर पाए। राजीव गांधी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। यही सोनिया ने राजीव को देखा। वो शांत और सुंदर थे, साथ ही बेहद विनम्र भी, दूसरों से अलग। एक दिन जब सोनिया वहां लंच कर रही थी तब राजीव उनके कॉमन मित्र क्रिस्टन के साथ दाखिल हुए। तभी पहली बार उनका आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। इस बात का जिक्र सोनिया ने अपनी बायोग्राफी में भी किया है कि उन्हें पहली ही नजर में राजीव से प्यार हो गया था। ऐसा ही राजीव के लिए भी था, क्योंकि राजीव ने यह बात उनसे खुद ही कही थी। उन्होंने क्रिस्टन से पहले ही उनका सोनिया से परिचय कराने के लिए कहा था। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करने लग गए। जैसे कि नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा रही थी, वैसे ही राजीव भी पत्र लिखा करते थे। वे अपनी माँ इंदिरा गांधी को जब भी पत्र लिखते थे तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ, रूटीन, सारी बातें बताते थे। जल्दी ही उनके पत्रों में सोनिया का जिक्र भी होने लगा। वे अपनी माँ से उनका अक्सर जिक्र करने लगे। दोनों अपने परिवारों से दूर थे, तनाव मुक्त और आजाद थे। उन दिनों राजीव के पास एक लाल रंग की पुरानी फोक्सवैगन कार थी। उससे वो कई बार सोनिया के पास मिलने भी जाया करते थे। अक्सर वो और सोनिया अन्य मित्र मंडली के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर करने के लिए भी निकल जाते थे। ईंधन का पैसा सभी मिलकर शेयर कर लेते थे। कभी कभी वो सोनिया के साथ कार रेसिंग देखने भी चले जाते थे। उन दिनों कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले सभी छात्रों के घरों से कम पैसा आने के कारण आर्थिक तंगी होना स्वाभाविक था। वो इसके चलते खाली समय में छोटा मोटा काम भी कर लेते थे। राजीव एक कोऑपरेटिव बेकरी में काम किया करते थे। वो ब्रेड सेक्शन में काम करते थे। लेकिन बताया जाता है कि सोनिया ऐसी थी जिसके पास पर्याप्त पैसा शुरू से ही था, खासकर तब भी जब बाकियों के पास पैसे नहीं थे। उनके दोस्तों की जेब महीने के आखिर में खाली हो जाती थी, लेकिन सोनिया के पास पैसे हुआ करते थे। राजीव ने एक बार कहा था कि सोनिया हमेशा से वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा खुश मिजाजी से लोगों से मिला करती थी। उस समय कैम्ब्रिज में पुरुष और महिला स्टूडेंट की रेशो 12:1 थी, यानी 12:1। लंबे घने और काले बालों वाली स्लिम सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत युवतियों में से एक थी। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था, तो सोनिया की बहुत तस्वीरें खींचा करते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बन गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वे मुक्त थे, खुश थे और अपनी ज़िंदगी में आनंद ले रहे थे। अब राजीव ने माँ इंदिरा को चिट्ठी लिखने में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। राजीव ने पहली बार ये बताया कि उनकी माँ सोनिया से मिलना चाहती है। वे तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सोनिया इस मुलाकात को लेकर नर्वस हो गई। ये मुलाकात लंदन में ही हुई। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में भी बात की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना फ्रेंच में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। हालांकि राजीव और उनकी माँ इंदिरा के साथ ये रिश्ता जितना सहज लगने लगा था, वैसा सोनिया के घर वालों के साथ बिल्कुल नहीं था। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बातें और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर वालों को नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र भी लिखा। वो कहते कि वो समझ नहीं पा रही कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों कर रही है। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो अपने घर गई तो तय करके गई थी कि अब की बार घर वालों से बात करेंगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौट आई। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वे वापस कैम्ब्रिज भी जाएं। राजीव अब इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे, लिहाजा दोनों की मुलाकात अब सप्ताह में एक बार ही हुआ करती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वे अपनी आगे की जिंदगी साथ ही बिताएंगे, हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी शंकित भी हो जाते थे।
सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से अब डर लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने तय किया कि वे शादी करेंगे और भारत में ही रहेंगे। जुलाई 1966 में सोनिया फिर इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन साइट पर काम करके पर्याप्त पैसा कमाया। सोनिया और राजीव दोनों रोज एक दूसरे को खत भी लिखा करते थे। हालांकि राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग करने लगे थे। नवंबर 1966 में राजीव इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि उन्हें अपने रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सके। खैर, राजीव वहां उनके पेरेंट्स को पसंद आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव नेक शख्स हैं, उनकी मंशा सही है। हालांकि इसके बाद भी उनके फादर शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कह देते हैं तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं करें। दोस्तों, कहा जाता है कि सोनिया के पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की। जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों शादी के लिए कम से कम एक साल का इंतज़ार करें, और तब तक अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा दे देंगे। लेकिन अगर शादी में कोई गड़बड़ होगी तो वो उनको ब्लेम नहीं कर सकती हैं। सोनिया ने 12 महीने इंतज़ार किया। उनके फादर को लगता था कि बेटी साल भर जब उनके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव भाई संजय के साथ आए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया था, फिर वहीं उनकी शादी भी हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो पे। नमस्कार।